गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रकाश चंद्र ढवास, प्रेजेंटली डेप्यूटेट एट गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज शाहपुरा शाहपुर। डियर स्टूडेंट्स, आई नो दैट इन आवर लास्ट वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन मोर न्यू टॉपिक दैट इज इपॉक्साइड्स। इपॉक्साइड्स ईथर की तरह ही एक कंपाउंड है, लेकिन ये साइक्लिक ईथर को हम इपॉक्साइड कहते हैं। द थ्री मेंबर्ड साइक्लिक ईथर्स आर नोन एज इपॉक्साइड्स। दे आर नोन एज ऑक्सीडेंट्स अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर। द जनरल नेम ऑफ सिंपलेस्ट इपॉक्साइड इज एथिलीन ऑक्साइड। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तीन सदस्यीय चक्रीय ईथर को हम इपॉक्साइड कहते हैं, इन्हें ऑक्सीडेंट भी कहते हैं, और सिंपलेस्ट जो इपॉक्साइड है उसका नाम एथिलीन ऑक्साइड भी होते हैं। अगर हम बात करें इसके सिंथेसिस की, तो लेट मी टेल यू दैट सबसे पहले हम इपॉक्साइड सिंथेसिस की जो सबसे पहली विधि के रूप में हम बात करेंगे, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद परोक्सी एसिड। परोक्सी अम्ल की एल्कीन प्रक्रिया द्वारा इपॉक्साइड सिंथेसिस को हम इपॉक्सीडेशन भी कहते हैं। व्हेन एल्कीन रिएक्ट्स विद परोक्सी एसिड, इपॉक्साइड्स आर फॉर्म्ड एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज इपॉक्साइड इपॉक्सीडेशन। जनरली परोक्साइड परोक्सीएसिटिक एसिड एंड परबेंजोइक एसिड्स आर यूज्ड। जो इपॉक्सीडेशन के लिए जो परोक्सी एसिड जो हैं उसके रूप में हम परोक्सीएसिटिक अम्ल या परोक्सीबेंजोइक अम्ल को यूज में लेते हैं। डाइक्लोरोमेथेन और क्लोरोफॉर्म आर यूज्ड एज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के रूप में हम क्लोरोफॉर्म को या डाइक्लोरोमेथेन को काम में लेंगे। इस इपॉक्सीडेशन मेथड का जो इक्वेशन है वो स्क्रीन पर दिए गए अनुसार हम समझ सकते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट या एल्कीन है जो परोक्सी एसिड के साथ रिएक्शन पर एल्कीन का इपॉक्सीकरण होता है और इपॉक्साइड बनता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल बाई प्रोडक्ट के रूप में यह बाहर निकलता है। डियर स्टूडेंट्स, इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन बाई परोक्सी एसिड इज ए सिस एडिशन ऑन डबल बॉन्ड एज सिस सब्स्टिट्यूट्स प्रेजेंट इन एल्कीन रिमेन्स सिस आफ्टर इपॉक्सीडेशन। सिमिलरली ट्रांस सब्स्टिट्यूट्स रिमेन ट्रांस आफ्टर इपॉक्सीडेशन। इपॉक्सीडेशन की ये क्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये इसका स्टीरियोकेमिकल सेंस में अगर इपॉक्सीडेशन की बात करें तो इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन वो सिस एडिशन होता है। अगर एल्कीन सिस एल्कीन लिया जाता है तो प्रोडक्ट सिस होगा और ट्रांस एल्कीन से ट्रांस प्रोडक्ट ही हमें प्राप्त होता है। फॉर एग्जांपल सिस टू ब्यूटीन फॉर्म्स सिस टू थ्री डाइमेथिल ऑक्सीरेन एंड ट्रांस टू ब्यूटीन फॉर्म्स ट्रांस टू थ्री डाइमेथिल ऑक्सीरेन। इस टाइप की रिएक्शंस को हम स्टीरियो स्पेसिक रिएक्शन भी कहते हैं। तो स्टीरियो स्पेसिक मैनर में ये इपॉक्सीडेशन कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, एक दूसरा मेथड जो हम इपॉक्साइड के सिंथेसिस के लिए काम में ले सकते हैं वो है फ्रॉम विसिनिल डाइहेलोहाइड्रिन्स। जो विसिनिल हेलोहाइड्रिन्स हैं उनके द्वारा भी हम इपॉक्साइड बना सकते हैं। इसके लिए विसिनिल हेलोहाइड्रिन कैन बी प्रिपेयर्ड वेरी इजीली बाय द रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद हाइपोहेलस एसिड। एल्कीन पर हाइपोहेलस अम्ल HOX जो होता है उसकी रिएक्शन पर विसिनिल हेलोहाइड्रिन बनता है। दिस हेलोहाइड्रिन रिएक्ट्स विद बेस एंड कन्वर्ट्स इनटू इपॉक्साइड। जब ये हेलोहाइड्रिन जो है वो बेस के साथ रिएक्शन करता है तो हमें इपॉक्साइड प्रोडक्ट प्राप्त होता है।
इस रिएक्शन के इक्वेशन या समीकरण को हम स्क्रीन पर दिए अनुसार शो कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन कैन बी गिवन एज, यहाँ सबसे पहली स्टेप में बेस जो है वो हेलोइड्रिन पर अटैक करता है, और यहाँ से बेस के रूप में ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने से जो एक रिवर्सिबल मैनर में जो प्रोडक्ट बनेगा वो उसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा, और ये नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन युक्त इंटरमीडिएट स्पीशीज में हेलोजन आयन हेलाइड आयन के रूप में बाहर निकलने से ये ऑक्सीजन एटम जो है दोनों कार्बन के साथ जुड़ता है और निम्न प्रकार से दिए गए अनुसार ऑक्साइड या इपोक्साइड का निर्माण होता है। यहाँ एक और बात हम डिस्कस करना चाहेंगे कि ट्रांस ट्यूब्यूटीन फॉर्म्स ट्रांस 2,3 इपोक्सी ब्यूटीन इस रिएक्शन में भी, और सिस 2 ब्यूटीन से यहाँ भी सिस 2,3 इपोक्सी ब्यूटीन ब्यूटेन का निर्माण होगा। इट मीन्स ये रिएक्शन भी स्टीरियो स्पेसिक होती है, और सिस प्रोडक्ट रिएक्टेंट से सिस प्रोडक्ट बनता है, ट्रांस से ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद में नेक्स्ट डिस्कशन में हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ इपोक्साइड की बात करेंगे। सबसे पहली जो केमिकल रिएक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एसिड कैटलाइज्ड रिंग ओपनिंग रिएक्शंस ऑफ इपोक्साइड। डियर स्टूडेंट्स, ये जो थ्री मेंबर्ड इपोक्साइड होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, और ये मेनली न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि ये इसमें थ्री मेंबर्ड रिंग में हाई स्ट्रेन होता है और रिंग ओपनिंग या स्मूथली होती है। तो एसिड कैटलाइज्ड रिंग ओपनिंग की अगर बात करें तो इपोक्साइड रिएक्ट्स विद वीक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट लाइक वाटर, एल्कोहल एक्सेट्रा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलाइज्ड और एसिड रिएजेंट टू फॉर्म टू सब्स्टिट्यूट एथेनॉल डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल CH2 CH2O, ये जो ऑक्सीजन है उसकी HBr के साथ रिएक्शन अगर हम करवाएं 10 डिग्री टेम्परेचर पर तो 2-ब्रोमो एथेनॉल 90% तक बनता है। इसी प्रकार अगर हम ऑक्सीजन की एथेनॉल के साथ रिएक्शन कराएंगे H2SO4 की प्रेजेंस में तो 2-ethoxyethanol का निर्माण हमें के रूप में 85% तक प्राप्त होगा। सेम H2O के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में भी एथिलीन ग्लाइकोल जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इन एसिड कैटालिसिस न्यूक्लियोफिलिक अटैक अकर्स ऑन द कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ इपोक्साइड इंस्टीड ऑफ इपोक्साइड इट्सेल्फ। ये इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक टेक्स प्लेस ऑन द मैक्सिमम एल्किल सब्स्टिट्यूट कंटेनिंग कार्बन एटम ऑफ द थ्री मेंबर्ड रिंग एज एसिमेट्रिक रिंग ऑफ एसिमेट्रिक इपोक्साइड इन एन एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन। फॉर एग्जांपल 3-methoxy-3-methyl-2-butanol फॉर्म्स व्हेन 2,2,3 ट्राईमेथिल ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद मेथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। 2,2,3 ट्राईमेथिल ऑक्सीजन की CH3OH के साथ रिएक्शन पर यहाँ जो जिस कार्बन ऑक्सीजन या इपोक्साइड के जिस कार्बन पर एल्किल समूह की संख्या अधिक होगी वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, और हमें 3-methoxy-3-methyl-2-butanol ये मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। ये स्टूडेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट बात इस रिएक्शन से रिलेटेड ये है कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ्यूगरेशन अकर्स इन द यील्डेड प्रोडक्ट आफ्टर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक के बाद में यहाँ प्रतिपन होता है, और प्रतिपन के साथ ये SN2 की तरह ही ये वाल्डन प्रतिपन के साथ ये एसिड कैटलाइज्ड रिंग ओपनिंग की रिएक्शन
संपन्न होती है। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इपोक्साइड्स की कुछ नई रिएक्शंस की बात करेंगे। एसिड कैटलाइज्ड रिंग ओपनिंग एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये कई बार पूछा गया है। सो इसे आप मैटर इस मैटर को आप सीरियसली तैयार करेंगे, इससे रिलेटेड डाउट्स को भी हम क्लियर करेंगे। आप अपनी पढ़ाई को बदस्तूर जारी रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने परिवार को खुद को COVID-19 के इस कहर से बचाइए, अपना अपना स्टडी का अपना खुद का आप अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। इस उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिस्कशंस के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।